हेलो गाइस, मैं हूं रवि और आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों मैं एक नया वीडियो। और आज हमारे पास है ये गाड़ी, हीरो की इग्निटर 125 सीसी इसका इंजन है। इसके ऊपर आज हम एलपीजी फिटमेंट करेंगे दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल रवि मनारिया सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने वाला है दोस्तों। और अगर आप एलपीजी किट संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आगे सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए, आप मेरे पास जो है हीरो की इग्निटर गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है इसका पेट्रोल के ऊपर, और गैस पे भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए पूरा इस वीडियो को देखिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो गाइस देखिए, यह है हीरो की इग्निटर गाड़ी और इसके ऊपर हमने स्टील बड 510 नंबर का जो डिक्की है वो माउंट करवा दिया है, और वेल्डिंग से इस तरह की फ्रेम बनवा दी है इसके ऊपर, जिससे कि वाइब्रेशन के अंदर जब स्पीड से अगर ये गाड़ी चले तो अपना टूटेगी नहीं डिक्की, और काफ़ी अच्छा लुक गाड़ी का। इसको आज हम एलपीजी कन्वर्ट करेंगे और डिक्की देखिए एकदम टाइट कंप्लीट। गाइस ये वेपोराइजर हम इस गाड़ी में फिटिंग करेंगे और ये एक ब्रांड है आप देख सकते हैं, और बिना एयर ब्लो के ये गाड़ी चलेगी। अगर हम इस गाड़ी के एयर ब्लो करते हैं तो इंजन हीटिंग करता है और इंजन का जो परफॉर्मेंस है, जो लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस जब भी आप अपनी गाड़ी में एलपीजी फिटमेंट कराएं वो बिना एयर ब्लो किए करवाएं कस्टमर दुकानदार से। अगर कोई दुकानदार आपका एयर ब्लो करता है गाड़ी का तो जिससे आपको यूँ कहेंगे कि इससे माइलेज इंक्रीज होता है, लेकिन एयर ब्लो करने से कोई भी माइलेज इंक्रीज नहीं होता है और गाड़ी के इंजन की ऐसी तैसी हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आज अपना ये नाक है, इस नाक को अगर हम बंद कर देते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी तरह इस गाड़ी में भी कंपनी ने सीट के नीचे जो एयर फिल्टर दिया होता है उसका कम से कम 1 इंची का छेद होता है, 1 से 1.5 इंची का एयर खींचने का। तो उस छेद को अगर आप बंद करोगे तो गाड़ी का जो इंजन है वो बैठ जाएगा। 5 से 6 महीने 7 महीने के अंदर गाड़ी के इंजन के अंदर रिंगे, पिस्टन वगैरह ऑयल उठाने लग जाएगी गाड़ी, और वाइट कलर का धुआं फेंकेगी। अगर आपकी गाड़ी वाइट कलर का धुआं फेंक रही है तो आपके इंजन के अंदर प्रॉब्लम है गाइस। तो बिना एयर ब्लॉक किए आपको एलपीजी सीएनजी गाड़ी में फिटमेंट करवाना है। तो देखिए अब इस गाड़ी में हम कैसे करते हैं, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस गाड़ी के इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो गाइस ये गाड़ी का हमने पेट्रोल टैंक वैसे उतारने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना कार्बोरेटर है वो यहाँ से हमें सीधा इजीली दिखाई दे रहा है और इस पर हम काम कर सकते हैं। देखिए ये अंदर की साइड में नहीं है, आउटर साइड में, इसलिए हमें इसका ये जो कार्बोरेटर है वो आउटर साइड में, तो हमें पेट्रोल टैंक उतारने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस इंजन का जो डायमेंशन है और जो लुक है वो होंडा शाइन जो होती है 125 उसके अकॉर्डिंग है, तो आप होंडा शाइन में भी आप इसी तरीके से फिटमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लैंप है कार्बोरेटर का, इसको हम ढीला करेंगे। देखिए
ये हमने ढीला कर दिया और यहाँ से भी हम इसको ढीला करेंगे, वैसे ऑलरेडी ढीला है पहले से। अब हम इस कार्बोरेटर को खोलेंगे। अगर ये यहाँ से इजीली नहीं खुलता है तो हमें क्या करना है, 10 नंबर से ये दोनों नट खोल लेने हैं इंजन के और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देंगे, जिससे हमारा जो काम है वो और आसान हो जाएगा। और जो इस गाड़ी में हमारा वेपोराइजर फिट होगा वो हम यहाँ पे इसको फिटिंग करेंगे। ये जो हमारा वेपोराइजर है इसको हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। यहाँ पे जो इसका रबड़ जो है इसको थोड़ा सा कटिंग करके हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे, जिससे परफॉर्मेंस जो आएगा वो काफ़ी अच्छा आने वाला है गाइस।
तो गाइस देखिए, हमने इसकी जो फ्लांस है हेड के आगे जो लगती है, इसको हमने खोल लिया है। और इससे क्या होगा, खोलने से हमारा जो कार्बोरेटर है वो हमें इजीली फिट हो जाएगा हमारी इस गाड़ी में, हमें इतनी परेशानी नहीं आएगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छेद करेंगे हमारी पाइप निकालने के लिए। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ पे एक छेद किया ड्रिल से और यहाँ से हमने एक रबड़ की पाइप डाली, अंदर अंदर से ही होती हुई हमने जो हमारा तार वाली जो नोज़ल है वो यहाँ पे फिटिंग कर दी है कम्प्लीट, और बिना एयर ब्लो किए कुछ भी नहीं किया है। ना हमने इसके जेड़ में कोई वायर फंसाया है, इसको खोला भी नहीं है। देखिए पेट्रोल आ रहा है अंदर से, अगर खोलते तो ये अंदर से पेट्रोल सारा निकल जाता था। ये देखिए सारा पेट्रोल आ रहा है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर एक छेद करके ब्रास के नोज़ल लगाएंगे। हम इसमें से वैक्यूम नहीं लेंगे क्योंकि ये पाइप आउटर साइड रहती है और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा अगर पाइप यहाँ से हम लगाएंगे तो। तो सबसे पहले हम इसमें एक ड्रिल करेंगे। जो हमारा ब्रास का नोज़ल है गाइस, वो हम इस पे यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। ये फिटिंग कर लिया, 10 नंबर से हम इसको टाइट कर लेंगे। जो हमारी वैक्यूम है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, हमने कार्बोरेटर को फिट कर दिया है और अब जो हमारे क्लैंप है उसको हम टाइट करेंगे। और गाइस अगर आप एलपीजी किट संबंधी कुछ भी जानकारी चाहते हैं या उसको ख़रीदना चाहते हैं, अपनी बाइक में लगाना चाहते हैं क्योंकि पेट्रोल के भाव तो बहुत बढ़ रहे हैं दिन दिन, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928505007। इसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एलपीजी किट ओरिजिनल किट ऑर्डर कर सकते हैं। और मार्केट में दोस्तों हमारे देखा देख यूट्यूब के ऊपर कम से कम 20-30 चैनल ऐसे बन गए हैं जो फ्रॉड लोग हैं, उनको एलपीजी संबंधी कुछ भी जानकारी नहीं है। अभी 5-6 महीने हुए
अब जो वीडियो जैसे मैंने आज जो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो पहले वो उसको देखेंगे, फिर ऐसा का ऐसा मोबाइल से वीडियो बनाएंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो सावधान रहिए ऐसे धोखेबाजों से, और अपनी बाइक के अंदर अच्छा फिटमेंट कराएं, अच्छा किसी टेक्नीशियन से करवाएं और अच्छा आइटम लगवाएं, क्योंकि जो बाइक होती है कम से कम आज मार्केट प्राइस किसी भी बाइक की हम गिने तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए बाइक की कॉस्ट होती है गाइस। अगर उसके अंदर आप ऐसे नकली आइटम लगवाओगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई भी उसका मतलब नहीं है। तो ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहिए दोस्तों, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। और हम जो वीडियो में हर चीज़ क्लियर बताते हैं, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखते। देखिए आप, बहुत सारे मैकेनिकों को रोज़गार मिला है हमारे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, जो बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। कॉपी पेस्ट करने वालों से सावधान रहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो क्लैंप है इनको टाइट कर लेंगे। थोड़ा सा कार्बोरेटर टेढ़ा है तो इसको हम सही कर लेंगे, और जो अब हमारा जो कार्बोरेटर का क्लैंप है इसको भी हम टाइट कर लेंगे। देखिए गाइस, हमारे काम कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ये ड्रेन की पाइप है और ये जो हमारी वैक्यूम की पाइप है, इन दोनों को हम फिटिंग कर देंगे। लगा ली। अब यहाँ से हमारा जो वेपोराइजर है वो हम यहाँ फिटिंग करेंगे, तो इसका जो होस पाइप का जो रबड़ है इसको भी हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो रबड़ है इसको कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। ये जो हमारा वेपोराइजर है ये कंप्लीट यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा इस तरीके से। जो हमारी अभी ये जो पाइप है इसको हम चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी हम फिटिंग कर सकते हैं। तो हम जो हमारी पाइप है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। मेन गैस की पाइप हो गई जो कार्बोरेटर के पीछे लगती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर रेगुलेटर दे देते हैं, तो रेगुलेटर इसमें नहीं लगाना है। ये हमारी मेन पाइप है कार्बोरेटर वाली। देखिए, हमने एयर फिल्टर ब्लॉक नहीं किया, मेरी जो दोनों उंगलियां है वो फिल्टर के अंदर तक जा रही है। देखिए ये अगर ब्लॉक करता तो ये अंदर नहीं जाती। देखिए ये
गाइज ये हमारा वैक्यूम का पॉइंट है, तो यहाँ से हम वैक्यूम लेंगे। यहाँ से होता हुआ पाइप हमारा, इतना पाइप हमें लगेगा, इसको काट लेंगे यहाँ से। और अंदर ही अंदर से वेपोराइजर का जो नीचे का जो पॉइंट है, इसके अंदर हम हमारा जो वैक्यूम का पॉइंट है उसको दे देंगे। देखिए दे दिया। अगर पाइप बड़ी है तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे, इतना सा पाइप को कटिंग कर लेंगे। दूसरे वेपोराइजर के अंदर हमें क्या होता है, एयर ब्लो करनी होती है। अगर एयर ब्लो हम करते हैं तो जो परफॉर्मेंस है गाड़ी के इंजन की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमारा वेपोराइजर पड़ा रहेगा इजीली। और अब हमें क्या करना है, तो भाई ये हमारी मेन जो रेगुलेटर से पाइप आएगी लो प्रेशर से, वो वाली पाइप है। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लिप लगा देंगे एक, तो गाइस देखिए हमने इस गाड़ी में वेपोराइजर यहाँ पे फिट कर दिया है कंप्लीट, और यहाँ पे ब्लेड लगा दिए।
जिससे हमारा जो वेपोराइज़र है वो वाइब्रेशन नहीं होगा और नहीं हिलेगा। और ये जो जो हमारा गैस का बटरफ्लाई है वो इस गाड़ी में इतना खुला हुआ रहेगा। यहाँ पे हमने सोल्यूशन डाल दिया है और आइडल को भी सेट करके इसमें सोल्यूशन डाल दिया है। अब मैं इस गाड़ी की आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। देखिए इग्निशन ऑन किया, जैसे इग्निशन ऑन करूँगा सारी लाइटें वगैरह एक बार जलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ से पेट्रोल अभी ऑफ है, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है इसमें, पेट्रोल ऑफ है। और अब मैं गाड़ी का सेल्फ लगाऊंगा, देखिए जो गाड़ी है वो कंप्लीट सेल्फ ले रही है। और LPG के ऊपर बिना एयर ब्लॉक किए इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। और देखिए हमने यहाँ पे इसका एयर ब्लॉक भी नहीं किया हुआ है। देखिए हमारी जो उंगली है वो कंप्लीट इसके अंदर जा रही है और इधर का मुंह भी खुला हुआ है, आप देखिए ये कंप्लीट प्रॉपर तरीके से हमारा जो ये सिस्टम है वो काम कर रहा है। और अब मैं पेट्रोल पे आप इसको चला के बताऊंगा। जैसे ही पेट्रोल ऑन करूंगा, ये पेट्रोल ऑन किया, LPG पे चल रही है और पेट्रोल ऑन करूंगा तो गाड़ी मिस फायर करेगी। देखिए गाड़ी मिस कर रही है। अब देखिए इधर से मैं रेगुलेटर ऑफ करूंगा। ये जैसे ही मैंने इसमें रेगुलेटर ऑफ किया और अब ये पेट्रोल पे कंप्लीट चलेगी। देखिए जो गाड़ी है वो पेट्रोल पे कंप्लीट चल रही है। अब हम इसका वापस पेट्रोल बंद कर देंगे। ये पेट्रोल बंद किया और थोड़ी देर इसको यह इसका पेट्रोल जल गया है। और अब मैं इसकी LPG चालू करूंगा। यहाँ से पीछे से रेगुलेटर चालू किया और ये अब जो हमारी गाड़ी है वो LPG पे कंप्लीट वर्क कर रही है गाइस। अब इस गाड़ी की हम फिटिंग करेंगे और फिर इसका टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। और अब हम क्या करेंगे गाइस, देखिए मेरे पास ब्लैक स्प्रे है और यहाँ से स्प्रे कर देंगे इसकी ब्लेड वगैरह को, जिससे थोड़ा सा अटपटाना जर नहीं आएगा। इस बार थोड़ो चालू कर।
तो गाइज आज आपने देखा, हमने हीरो की जो इग्निटर गाड़ी है उसको हमने एलपीजी फिटमेंट कंप्लीट कर दिया है और अब हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। हमने बिना एयर ब्लो किए इस गाड़ी को कंप्लीट एलपीजी पे किया है और इसका जो माइलेज रहेगा वो कम से कम 80 से 90 के बीच में रहेगा, क्योंकि ये 125 है इसलिए, और इसका जो इंजन है वो 125 सीसी का है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो सेम पेट्रोल टू एलपीजी डिटो रहेगा, कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं आने वाला है इस गाड़ी में। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल रवि मेनारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो पूरी गाड़ी को हमने कम्प्लीट पहले जैसे फिटिंग कर दी है और जो हमारा वेल्डिंग के अंदर जो हमने इसकी स्टील बर्ड की जो ब्लेडें बनाई थी स्टैंड के लिए उनको कलर की कर दिया है कम्प्लीट स्प्रे से और काफ़ी अच्छे तरीके कैसे इसको फिटिंग कर दिया है। और जो हमारा सिलेंडर है वो इस डिक्की के अंदर रह गया है और इसको हमने लोहे के ब्रैकेट से अच्छे से बना दिया है देखिए, और इसको कलर कर दिया है। और अब हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे और अब हमें इसकी स्टार्टिंग बताता हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है और आइडल के अंदर भी काफ़ी अच्छी रुकी हुई है गाड़ी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत से मैकेनिक क्या करते हैं इसको एयर ब्लो करके गाड़ी को फिट करते हैं एलपीजी के ऊपर। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर एलपीजी फिटमेंट कराते हैं और एयर ब्लो करवाते हैं तो दोस्तों एयर ब्लो करने से क्या होता है, गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। तो चलिए वीडियो की टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और सॉरी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए भाई साहब, हमने ये गाड़ी इग्निटर हीरो की वो कंप्लीट एलपीजी पे बिना एयर ब्लो किए गाड़ी को कंप्लीट चला दिया है। आपने हमारी टेस्ट ड्राइव भी देखी है और परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है इस गाड़ी का। और अगर आप हमारे इस चैनल रवि मेनारे के ऊपर अभी नए हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो कृपया करके दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और गाइस YouTube के ऊपर ये हमारा काफी पुराना चैनल है, इस पे आपको नई नई जानकारी। तो गाइस देखिए, आज हमने जो हीरो की इग्निटर गाड़ी थी उसको आज हमने एलपीजी पे कन्वर्ट किया है और जो परफॉर्मेंस है गाइस वो काफी अच्छी है। बिना एयर ब्लो की हमने इस गाड़ी को चलाया है। अगर आप किसी मैकेनिक से अपनी गाड़ी के अंदर एयर ब्लो करवाते हैं तो हो सकता है आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाए, क्योंकि उसको इंजन के अंदर एयर नहीं जाएगी तो इंजन ठंडा नहीं होगा और ठंडा नहीं होगा तो काफी हीटिंग होगा, हीटिंग होने से आपका इंजन खत्म हो सकता है। तो गाइस बिना एयर ब्लो के हमने इस गाड़ी को कंप्लीट तरीके से चलाया है, सर्विस जो है वो काफी अच्छी है। और अगर आप एलपीजी किट संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9928505007 और ये मेरा पर्सनल नंबर है और एक ही नंबर है। मेरे मिलते जुलते नामों से आप सावधान रहिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ऐसे फर्जी चैनल बहुत सारे बन गए हैं जिससे वो लोग मेरा नाम लेके आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपसे पैसे हटते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9928505007, ये मेरा एक ही नंबर है, इस पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।